टेस्ट इतना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही फटाफट इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने चावल दाल पहले से भिंगो के रखा था। चावल दाल को आप 4 से 5 घंटे भिंगो दें ताकि अच्छे से फूल जाए। ये जैसे इस कटोरी से आप 1 कटोरी चावल लेते हैं तो 1/3 चने का दाल लेना है। जैसे आप इस कटोरी से 3 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी चने का दाल चाहिए। और इसमें 6 कटोरी पानी डाल के भिंगा देना है। इस रेशियो से इसको बनाना है। मैंने 1 कटोरी चावल लिया था तो उसमें 1/3 चने का दाल डाला है। देखिए इतना चना का दाल दिखना चाहिए, यही रेशियो रहता है इसका। इसमें 4-5 कटोरी पानी डाल के भिंगोए थे, अच्छे से ये फूल गया है। देख सकते हैं दाल कितना अच्छा फूला है और चावल भी, ये अच्छे से फूल जाना चाहिए। इसे हम पानी से निकाल लेते हैं और पीस लेते हैं। देखिए दाल चावल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। इसको ज़्यादा न महीन करना है न मोटा करना है। दिखाएंगे कि कैसा पीसना है इसे। नाश्ता बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 गाजर घिसा है। आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं छोटा छोटा। मैंने इसे घिस लिया है। इसे डालेंगे, 1 बॉल्स लेंगे, उसमें डाल लेंगे सब कुछ। 1 हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ शिमला। आप चाहें तो इसमें मनपसंद कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चम्मच चाट मसाला, ये मेरा छोटा चम्मच है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो इसके बदले आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। चाट मसाला इसको टेस्टी बना देगा। स्वाद अनुसार काला नमक से बहुत केस में अच्छा आएगा नाश्ते में। एक चम्मच टमाटो केचप, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे सबको डाल के और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। साइड में रख के अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये घोल को हमने पीस लिया है। दिखाते हूँ कैसा रहेगा घोल। देखिए ज़्यादा न एकदम महीन भी नहीं रहेगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा, ऐसे ही घोल रहना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार सादा नमक। नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे हम। बेकिंग सोडा डालना है कि ताकि नाश्ता हमारा सॉफ्ट बने। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर घोल ज़्यादा मोटा लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ऐसे एक तरफ से अच्छे से इसे फेंकना है ताकि ये फ्लॉपी हो जाए। देखिए हमने इसे फेंक लिया अच्छे से। घोल इसका ऐसा रहेगा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, आराम से ये गिर सके ऐसा घोल रहेगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ इसे बनाने के लिए। नाश्ता बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, नॉन स्टिक वाला। आप चाहें तो पैन में भी इसे बना सकते हैं, कि नॉन स्टिक का रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कढ़ाई चाहे पैन, उसमें आराम से नाश्ता निकल आता है। 1 चम्मच तेल डाले हैं। ऐसे तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे चारों तरफ, तेल चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। इसमें घोल डालेंगे,
होल को ऐसे बीच में एक ही जगह गिराना है। एक ही जगह गिराएंगे, चारों तरफ आराम से फैल जाएगा। होल गिरा के और इसे ढक देना है, ढक के पकाना है। इसे ढक देंगे, ढक ढक के पकाएंगे। इसको पकाते समय गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें ताकि आराम से पके। अब हम ये देखिए थोड़ा थोड़ा पक गया है साइड साइड से, बीच में थोड़ा थोड़ा गीला है, तो हम इसमें जो स्टफिंग बना के रखे थे इसका कपिंग करेंगे। ऐसे कपिंग करेंगे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे डालकर ऐसे चारों तरफ घुमा के डालना है सब्जी, ताकि चारों तरफ अच्छे से कपिंग हो जाए। देखिए ऐसे ये नाश्ता खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी तो इतना लगेगा कि आप बार बार इसे बना कर खाना चाहेंगे और बहुत पसंद आएगा सबको। ऐसे चारों तरफ फैला देंगे, देखिए चारों तरफ फैला दिए इसे। ला के हल्का हल्का ऐसे चम्मच से प्रेस कर देंगे इसे, ताकि चिपक जाए, निकले ना इसमें से। ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर देना है, देखिए इसमें चिपक गया अच्छे से ये। एक तरफ से ये पक गया है, इसे दूसरी तरफ हम पलट लेते हैं, बहुत आसानी से पलटा जाएगा। देखिए मैंने इसे दूसरी तरफ पलट लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे पका रहे हैं, ढक ढक के, तो कितना सुंदर पका है और कलर कितना प्यारा आया है इसका। और धीरे धीरे ऐसे ये पकेगा, दूसरी तरफ भी इसे ढक के हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रहेगा ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे पलट पलट के पका लिया है, अच्छे तरह से पक गया है ये। एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि जले ना, और दोनों तरफ से अच्छे देख कलर कितना इसका प्यारा आया है। दोनों तरफ पक गया है, दिखाती हूँ दोनों तरफ। देखिए देखिए इधर भी कितना प्यारा कलर आया है और इधर भी अच्छे से पक गया है। इसे निकाल लेते हैं और दूसरा गाल लेते हैं। ऐसे ही सब बना लेते हैं नाश्ता, फिर हम दिखाते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार है। ये नाश्ता बहुत ही कम समय में फटाफट बन के तैयार हो जाता है। आप कहीं सुबह ऑफिस भी जा रहे हैं तो फटाफट इस नाश्ते को बना के ले जा सकते हैं, और फटाफट बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो इस बार एक बार इस नाश्ते को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। नाश्ते को मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे हरी धनिया, लहसुन, टमाटर की चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत खाने में टेस्टी लगता है। चाहे आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बिना चटनी का भी बहुत टेस्टी लगेगा ये। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा बना है। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट ये बना है एकदम। देखिए तो इसे बनाइए, खाइए और बच्चों को खिलाइए और तारीफ़ें पाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है आपका नाश्ता। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।